ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको आप पहचानते ही होंगे। तस्वीर में जो तीन चेहरे नज़र आ रहे हैं ये भारत के चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। यही इन्हीं तीनों के कंधों पर, कंधे आप देख लें, इन्हीं तीनों के कंधे पर सारा बोझ है देश में चुनाव कराने का। 44 दिन का इन्होंने कार्यक्रम घोषित किया, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 4th चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। 3 चरण के चुनाव जो भारत में अब तक हुए हैं उसमें कितने प्रतिशत वोट डाले गए उसकी जानकारी कई कई दिनों के बाद, कहें कि हफ्तों के बाद इनकी तरफ से जारी की जा रही है। पहले चरण के जो चुनाव थे वो 19 अप्रैल को हुए थे, दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को हुए थे, तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को हुए थे और 4th चरण के चुनाव कल यानी 13 मई को होंगे। पहले चरण के चुनाव 19 मई को जब हुए तो उसकी जानकारी 11 दिन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये दी गई कि कितने परसेंट वोट डाले गए हैं। जो जानकारियां पहले साझा की गई थी, बताई गई थी, उसमें कई प्रतिशत वोटों की बढ़ोतरी बाद में फिर नज़र आई। इसी तरह से दूसरे चरण के चुनाव की जानकारी वो 26 अप्रैल को हुए थे, 4 दिन के बाद बताया गया, उसमें भी जानकारी के मुताबिक 3 से 5% वोटों की बढ़ोतरी देखने को मिली। तीसरे चरण के चुनाव जो हुए हैं 7 मई को, उसकी जानकारी भी 4 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। अब ये जो देरी हो रही है इसमें भी 4 दिन की देरी के बाद ये आंकड़े बताए गए हैं। ये जो देरी हो रही है वो आशंका पैदा कर रही है। पहले जो जानकारियां आ जाती थी जिस वक्त में कि बैलेट पेपर से चुनाव होता था वो चंद घंटों के बाद बता दिया जाता था, रात तक ये जानकारी मिल जाती थी पूरे जहां कहीं भी चुनाव होते थे कि इतने परसेंट वोट डाले गए हैं और उसमें मत प्रतिशत में बाद में बढ़ोतरी नहीं दर्ज होती थी, नहीं बताई जाती थी कि इतने प्रतिशत और बढ़ गए। अब ये बढ़ोतरी जो हो रही है, पहली बात तो ये है कि EVM से चुनाव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आपके पास तत्काल डाटा आ जाना चाहिए, 1-2 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, उसमें आपको 10 दिन 11 दिन और 4 दिन क्यों लग रहे हैं ये बताने में कितने परसेंट वोट डाले गए हैं। अभी भी ये जानकारियां नहीं आ रही हैं कि किस सीट पर कितने वोट थे और कितने वोट डाले गए, तो इसको लेकर के आशंकाएँ हैं राजनीतिक पार्टियों के मन में भी हैं और जो जनता है उसके मन में भी हैं कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी देरी क्यों की जा रही है, क्या कोई गड़बड़ होने की आशंका है या किसी तरह का किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ किया जा रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव आयोग में इसको लेकर के अपनी आशंका को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी जा करके मेमोरेंडम दिया और कहा है कि आप निष्पक्ष जो डाटा है उसको जारी किया करें। देखें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं जब इस तरह की देरी सामने आ रही है और मत प्रतिशत में जो इनिशियल डाटा बताया जाता है, ठीक है डाटा देर से आने पर कुछ प्रतिशत बढ़ सकता है लेकिन 1-2 घंटे 1-2 दिन के बाद पता चल सकता है कि कितना वो बढ़ गया या घट गया। 11 दिन आपको क्यों लग रहे हैं, 7 दिन 4 दिन क्यों लग रहे हैं आपको बताने में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपके पास मौजूद है उसमें तो आपको हैंड टू हैंड मिलना चाहिए। वहीं एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है EVM जो
वोट डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो लोकतंत्र की, जनतंत्र की रक्षा के लिए है, मजबूत करने के लिए है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा अपने घर में ईवीएम मशीन से गेम खेल रहा है। अब जब इस तरह के वीडियो सामने आए तो उसको लेकर के फिर जनता में फिर से यही सवाल पैदा हुए कि क्या ईवीएम सुरक्षित है, क्या ईवीएम पारदर्शी है, क्या ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये बीजेपी के नेता के घर में ईवीएम कैसे पहुंची और ये बच्चा जो खेल रहा है, तो क्या इसी तरह का खिलवाड़ भारत के लोकतंत्र के साथ भी किया जा रहा है? इस ईवीएम मशीन को बच्चे ने अपना खिलौना बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बीजेपी का नेता है, ये ईवीएम मशीन है और ये देखें ये बच्चा है जो वोट डालता हुआ आपको नजर आएगा। और नेताजी को सुन भी लें आप, हम वीडियो की साउंड बढ़ाते हैं। क्या? चलो। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं, जनता के जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़े माकूल नहीं है। हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। सवाल खड़े होते हैं ईवीएम को लेकर के कि जो भी वोट डालो वो बीजेपी को चला जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन ही जाने कि ऐसा क्या मामला है जो आपको इतना वक्त लग जाता है वोटों का प्रतिशत बताने में। वहीं कन्नौज में जो चुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 DM 3 SP लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से यहां भेजे गए हैं और उनको लगाया गया है समाजवादी पार्टी के लोग बूथ पर आकर के वोट न डाल सकें, इससे रोकें। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया कि संभल में आपने देखा, बदायूं में आपने देखा, अमरोहा में आपने देखा। तो वो उन्होंने कई जगह के उदाहरण देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए 3 SP और 3 DM कन्नौज भेजे गए हैं। उन्होंने अपने वोटर से अपील की है, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के वोटर से अपील की है कि अगर आपको वोट डालने से रोका जाए तो आप वहीं पर धरने पर बैठ जाएं। यहाँ पर रवीश कुमार जो भारत के जाने माने एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको बोलता भारत ने, बोलता हिंदुस्तान ने ये रीट्वीट किया है और कैप्शन बना करके, पोस्टर बना करके यहाँ डाला हुआ है। रवीश कुमार लिखते हैं, ये धन के नाम पर वोट मांगना नहीं है। क्या किसी को पता है चुनाव आयोग कहाँ है? अब आप देख लें कि ये गुजरात में नरेंद्र मोदी साहब राम मंदिर यहाँ मौजूद है, उनका पोस्टर लगा हुआ है और कमल का फूल देख सकते हैं, मोदी साहब की तस्वीर देख सकते हैं। गुजरात समाचार में ये विज्ञापन दिया गया है। तो इसको लेकर के रवीश कुमार ने ये ट्वीट किया था 4-5 दिन पहले का, 6 मई का ये ट्वीट है उनका। हम खबर के साथ दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहाँ है, लापता है, गायब है, क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग किसी एक पक्ष को हरवाने और एक पक्ष को जिताने की तैयारियों में जुटा हुआ है? सवाल पैदा होंगे, सवाल पूछे जाएंगे और जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। 4 तारीख को जब अगर मतगणना होगी और वहाँ कोई गड़बड़ियाँ हुई तो फिर ये चीज़ें जनता के लिए असहनीय होंगी, देश के लिए असहनीय होंगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो क्या कहते हैं सुने आप। देखो, हेट स्पीच उन्होंने ही किया, बार बार उन्होंने मुसलमान का नाम लिया, रिलीजियस। अगर ऐसे धार्मिक विषयों पे अगर आप ओपनली एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है हम ये बंद करेंगे मुसलमानों को, हम वो बंद करेंगे, अगर ये ऐसा बोलते हैं तो ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है?
तो इसीलिए तो पहले तो इलेक्शन कमीशन उनको वार्निंग देना चाहिए, नॉट ओनली वार्निंग, उनको बैन करना चाहिए, जैसा 48 आवर्स हमारे और लोगों को दिए, उनको भी एक 10 दिन बैन करो ना। यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर आते हैं और एक तरह का रोड शो हो रहा है। ये पोलिंग बूथ के बाहर से ही भीड़ आपको नज़र आएगी। गुजरात का वीडियो है, पुराना वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, ये देखें ज़रा। और चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन लेता हुआ नज़र कहीं आया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई उसने की हो। ये देखिए आप, उंगली उन्होंने जो इंक लगा हुआ है वो दिखाते हुए चले आ रहे हैं, साथ में उनके सिक्योरिटी के लोग हैं। और ये रोड शो हो रहा है गुजरात की सड़क पर, सड़क लोग खड़े हुए हैं दोनों तरफ। ये उस दिन का नज़ारा है जिस दिन पोलिंग हो रही थी और पोलिंग बूथ के बाहर ये सब कुछ हो रहा है। ये तमाम मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं, इवेंट तो क्रिएट करते हैं पीएम, अच्छे मैनेजर हैं, आडवाणी साहब बता चुके हैं। अब चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग की कुछ साख वाख तो बची है नहीं, चुनाव आयोग का सिर्फ ये देखना बाकी रह गया है कि कितना निष्पक्ष रहता है और कितना वो फेवर करता है किसी एक पक्ष को। देखते रहिए टी सिंह न्यूज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।